हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम असलाम। डॉक्टर विष्णु साहब गल कर रहे हो? जी मेरी जान, बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी डॉक्टर साहब, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ चकवाल से। डॉक्टर जी मेरी जान, फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? साहब, पहले जो होती है आज सुबह सूरी है, जी अच्छा, मुबारक हो, क्या दिया है? कट्टी दी है, खैर मुबारक। वो पीछे निकाल रही है, ओहो, फौरन फौरन इसका पीछा जो है वो पहले उसको खड़ा कर दें, खड़ा करके धोएं उसको, और धोना है पानी में, नीम गर्म पानी में आप डिटोल मिला के वो उससे धोएं उसको, और फिर इसको जो तौलिया लेना है साफ सुथरा धुला हुआ, उसको पहले भिगो लें, वही डिटोल मिले पानी में भिगो के निचोड़ के, और उसको तौलिए के साथ अंदर करना है, ठीक है डॉक्टर और साहब। सीधी उंगलियां नहीं मारनी, वो मुट्ठी जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह की मुट्ठी करके तो आपने उसको अंदर करना है, और फिर इसको छिक्का छिक्का चढ़ा दें। छिक्का चढ़ा दिया है, वेरी गुड। और इसके बाद ये कोशिश करें ढलवान पे खड़ी करें, और अगले पांव जो है नीचे और पिछले ऊपर वाली जो इस तरह हो ढलवान, जैसे ठीक तो डॉक्टर साहब, आप ठीक है। और सोते ट्रीटमेंट कौन सी देनी है, हैं। ट्रीटमेंट क्या देनी है, दवाई ट्रीटमेंट क्या देनी मेरी है, कौन जान, सा लगाना आपने उसको? दो टीके ले आने हैं, जी ठीक है, एक कौन कौन है से? प्रोजेस्ट्रान प्रोजेस्टान, ले आए, हाँ ये 10 cc का इंजेक्शन लगाना है, ठीक हो गया और डॉक्टर साहब। साथ इसके एक और मिलेगा, वो उसको आम उर्फे आम में 5 ग्राम का टीका कहते हैं, 5 ग्राम का टीका, ठीक हो हाँ गया है, वो होता है ये होता है पेनबायोटिक, एनाबायोटिक। हाँ पैनाबायोटिक जो है, या अगर ना मिले तो जेंटामाइसिन, ठीक है डॉक्टर साहब, ये 25 cc का मिलेगा, वो लगा, ये दोनों टीके जेंटामाइसिन, लगाने हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ये 5 ग्राम का या जेंटामाइसिन का। तो इन दोनों में से एक लगाना है, या 5 ग्राम या जेंटामाइसिन का? वो जो दोनों में से एक लेना है, यानी या 5 ग्राम या जेंटामाइसिन, ये कितने ग्राम लगाना है, कितने सीसी? ये पूरा लगेगा 25 cc पूरा का लगेगा, ठीक मिलेगा, ये 25 cc का लगेगा जेंटामाइसिन का, हो गया। तो ये टीका कितने दिन लगाना है, ठीक 3 दिन दोनों लगाने हैं। हो गया है? ये तो मैं सुबह कंफ्यूज है, का आप दो दिन का कंफ्यूज जो ना है हो, 10 सीसी, ठीक मेरी जान मेरी जान, कंफ्यूज नहीं होना। पहला है नंबर है प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है सर, उसके साथ 5 ग्राम का, 5 ग्राम का, ठीक हो गया, ये 3 दिन दोनों लगाने हैं। अगर 5 ग्राम का ना मिले तो ये ठीक हो दो गया, टीके बनेंगे, प्रोजेस्टेरॉन साथ जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन, मुझ समझ आ गई, ये 3 दिन लगाने हैं दो लगातार ठीक हो गया है। लगातार, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसने जेर सही फेंकी है, ठीक वेरी हो गुड। अब गया, और इसके इस तरह करें, अब 5 दिन आपने इसको कोई ठंडी चीज नहीं देनी, ठीक हो गया सर, ठंडी चीज नहीं देनी, हाँ इसको आपने भिगो के कोई वंडा नहीं देना, ठीक हो गया सर, ठीक 21-22 दिन तक वंडा भिगो के नहीं देना, जी सर, ठीक हो गया, खुश्क खलें देनी है अगर देने भी है तो। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह और पाक को जो अभी है मैं आपके आपने वीडियो देखता रहता हूँ। अभी आपने अभी सुन लेना, जी तीन जी चार चीजें और ला के ये रखना है, ताकि इसकी सारी सफाई सही हो जाएगी, ये दूध सही देगी इंशाल्लाह। सर, वो कौन कौन सी हैं? वो लिखें, ये सफेद सर जीरा, सफेद जीरा सफेद जीरा, 100 ग्राम आगे क्या लिखना है, 100 सफेद ग्राम जीरा 100 ग्राम आप, 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक हाँ, है, और मैं अभी नहीं बोलता आपको, सिर्फ ये बताता हूं कि तीन चीजें हैं, 100 100 ग्राम सारी लेनी है, कौन सी है? एक लिखें सफेद जीरा, अलसी, दूसरा लिखें अलसी, तीसरा लिखें हाड़ियों या हाड़ू आलिया, ठीक हो गया, ठीक हाड़िया, तीनों हो सौ गया, सौ ग्राम, तीनों 100 100 ग्राम आलिया, ठीक
हो गया था। और इसके बाद गुलाब के फूल की पत्तियां, ठीक हो गए 100 ग्राम, गुलाब के फूल की पत्तियां भी 250 ग्राम, ठीक हो गए, और 50 ग्राम मीठा सोडा, ठीक है सर, 50 ग्राम मीठा सोडा। ये 5-6 दिन इसको रोजाना देते रहना, ठीक हो गया। ये जो है एक दिन का है, एक दिन का, शाबाश, ठीक हो गया। तो ये कितने दिन से शुरू करना है, कौन से दिन से? आज से ही शुरू कर दें बिस्मिल्ला करके, ठीक हो गया। ये 3 दिन पहले मैं टीके लगा लेते हैं, वो तो लगते रहेंगे ना उसका, ये साथ में कोई उसका फायदा ही होगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे सर, मैं आपकी वीडियो मैं कुछ 4-5 साल पहले देखता हूँ, उम्र अभी मेरी 21 साल है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी तो सेकंड की वीडियो ऐसे ही सामने आई है तो मुझे याद आ गया कि हम वैसे ही पूछ रहे थे डॉक्टर साहब। नहीं तो ये चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आपको सारी इसकी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज ये जो आपकी कॉल है ना, ये इस कॉल का नंबर पता क्या है? इसका नंबर है 20 नंबर। इससे पहले 19 कॉलें मैं और बड़े तफसील से लोगों को बता चुका हूँ, 11 बजे से लगा हूँ। खैर दे, मैं इतना खुश हूँ, मैं आके ये बात सोच रहा था कि आप कैसे बात कर लेते हैं, हर बंदा बगैर पैसे दिए बगैर किसी लालच के हर बंदा आपसे पूछने वाला है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन लें दीदी, आप इंग्लिश समझते हैं थोड़ी बहुत? जी थोड़ी बहुत ही अलग कम से समझता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा ही पैसा हर चीज नहीं होती, पैसा हर चीज नहीं है दे दे। लेकिन मैं लेकिन मेरा ईमान है कि बे लॉस खिदमत जो है इसका कोई निम इसका कोई मूल ही नहीं है, इसका सर कोई मूल नहीं है पूरे दिन, बहुत अच्छी बात। और जितनी दुआएं आपने तो मुझे देनी देनी है, और ये जो पहलन झोटी देगी ना ये आपके तस्वर में भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर, अल्लाह आपको खुश रखे, बिल्कुल और दुआओं में याद रखे, और पूरे पूरे चकवाल को सलाम मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम, और नाम पूरा एक दफा फिर बता दें, और चकवाल में चक गांव कौन सा है आपका? सर मेरा चक नौरंग है, पिंडी रोड पे जो चकवाल से 10 किलोमीटर जो पिंडी की तरफ सड़क जाती है, हाँ हाँ, उसमें 10 किलोमीटर आता है, चकवाल से 10 किलोमीटर आगे चक नौरंग। क्या नाम है उसका? चक, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। नहीं, चक का क्या नाम है? चक नौरंग। चक नौरंग, जी जी सर, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ इसको बड़े सारे रंग लगेंगे। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह सर अल्लाह आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह जरूर, अल्लाह 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 हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब नमाज खड़ी हो जाए तो तुम उसके लिए दौड़ते हुए ना आओ, यानी आराम से मामूल की चाल चलते हुए आओ और सकीनत इख्तियार करो, फिर जो नमाज इमाम के साथ पालो वो पढ़ लो, और जो तुमसे फौत हो जाए उसे पूरा कर लो। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूं, दुआओं में याद रखें। फी मानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पर डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।